दोस्तों, तो आज हम आपको घुमाने वाले हैं अहमदाबाद की 5 ऐतिहासिक जगह, और बहुत ही कम लोग हैं जो इन जगह के बारे में जानते हैं। और आप अगर अहमदाबाद में आए हो तो ये जगह आपका बेसब्री से इंतजार कर रही है अपनी सुंदरता और कलाकृति से आपके मन को लुभाने के लिए, क्योंकि यह जगह अपनी अनोखी कलाकृति और अपना इतिहास लिए भारत के ऐतिहासिक पन्नों में आज भी अपना इतिहास दर्ज किए हुए हैं। सबसे पहले नंबर पे आता है झूलता मीनारा। अगर आप अहमदाबाद में आए हो तो यहाँ एक बार आपको जरूर जाना चाहिए, क्योंकि यहाँ का इतिहास और बनावट आपको चौंका के रख देने वाली है। जैसे कि यहाँ एक गुप्त दरवाजा भी है जो सीधा जाकर कालूपुर में लाल दरवाजे के पास में स्थित बहुत ही प्रचलित जामा मस्जिद में जाकर खुलता है। माना जाता है यहाँ के जो राजा है अहमद शाह, वो नमाज अदा करने के लिए कभी गुप्त दरवाजे का भी इस्तेमाल किया करते थे। ऐसा क्या है यहाँ के मीनारों में जो एक बार हल्का सा भी हिलाने पर पूरी मीनारें हिलने लगती है, और वो भी करामात तरीके से। यहाँ की कलाकारी के बारे में, यहाँ के इतिहास के बारे में सारी रहस्यमय बातें आपको अच्छी तरह से यहाँ के मौलवी साहब, जो भी यहाँ की देखरेख करते, सब आपको समझा देने वाले हैं। हमारी दूसरी ऐतिहासिक जगह है जामा मस्जिद। जी हाँ दोस्तों, ये वही जामा मस्जिद है जिसका गुप्त दरवाजा सीधा जाकर झूलता मीनारा से जुड़ा हुआ है, जिसके बारे में मैंने आपको पहले ही बता दिया। जामा मस्जिद जो अहमद शाह द्वारा निर्मित है, जो कि अपनी कलाकृति का एक अनोखा नमूना लिए भारत के ऐतिहासिक पन्नों में दर्ज है। यहाँ की एक बहुत ही खास बात है, कुछ इस प्रकार से इन पिल्लरों को बनाया गया है जिसके एक पिल्लर के सामने खड़े होने से आपको पीछे का पिल्लर दिखा ही नहीं देगा। सोचो, हजारों वर्ष पूर्व बिना किसी साधन के, बिना किसी मापदंड के इस प्रकार की कलाकृति, इस प्रकार से माप के बिल्कुल आप एक पिल्लर से दूसरा पिल्लर को कैसे बनाया होगा, ये भी आपको चौंका देगा। सब कुछ आपको इस जामा मस्जिद में जानने को मिलेगा। में हम आपको सीधा लेकर चलने वाले हैं गांधी जी बापू के घर पर, यानी कि साबरमती आश्रम। अब इस आश्रम को शायद ही पूरे वर्ल्ड में कोई ऐसा ना हो जो इसे जानता ना हो। साबरमती आश्रम में आपको भारत की पहली सांस्कृतिक ऐतिहासिक के अलग अलग पन्ने की एक ही स्थान पर आपको देखने को मिल जाएंगे, जिसमें किस प्रकार से देश की आजादी के लिए हमारे बापू ने अपने अहिंसावादी की ज्योत प्रज्वलित करके देश और देशवासियों को एक नई दिशा दी थी। यहाँ आपको उस समय के बापू का चकरा, उनके कपड़े, बर्तन और साथ साथ उनसे जुड़ी हर एक चीज आपको देखने को मौजूद में मिल जाने वाली है। देश विदेशियों के संधि पत्र, किस प्रकार से अपनी बातों को मनवाने हेतु आंदोलन किए, सभी के जीते जागते सबूत आपको वहाँ देखने को मिलेंगे। Thank you.
चौथी लोकेशन हमारी अहमदाबाद का कार म्यूजियम। इस जगह के बारे में आपको बहुत ही कम लोग बताएंगे, लेकिन हम आज अहमदाबाद के इस अनोखे म्यूजियम के बारे में जानेंगे और इसके रहस्य से पर्दा उठाने वाले हैं। यहाँ पर आपको कई वर्षों प्राचीन वाहनों के संग्रह देखने को मिलेंगे, जिसकी आज की जानी मानी कार कंपनीज की भी कार हैं, जिनमें फोर्ड, बीएमडब्ल्यू, रॉल्स रॉयल्स, मर्सिडीज बेंज जैसी कई वर्षों प्राचीन गाड़ियों का आपको संग्रह देखने को मिलेगी। बस देखने को, ना कि चलाने को, क्योंकि यह गाड़ियां अब शोरूम में नहीं संग्रहालय तक ही सीमित रह चुकी है। माना यह भी जाता है इस संग्रहालय के बारे में, इस कार म्यूजियम के बारे में, कि प्राचीन काल के जो भी भारत के राजा महाराजा थे, जो अपने प्रतिदिन दिनचर्या में जिस कारों का यूज करते थे, वो कारें भी संग्रह करके आज की डेट में भी वहां रखी हुई हैं। गांधीनगर स्थित स्वामी नारायण अक्षरधाम का रजत जयंती महोत्सव दीपावली और नूतन वर्ष के अवसर पर विशिष्ट रूप से मनाया जा रहा है। अत्याधुनिक तकनीकों से सज्ज एक अद्भुत शो के साथ, जिसका नाम है अक्षरधाम। अब हम बात करेंगे अहमदाबाद के सबसे जानदार और शानदार ऐतिहासिक स्थल के बारे में, और मैं दावा करता हूँ इस ऐतिहासिक स्थल पर जाने के बाद में आप एक अलग जोन में चले जाओगे। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं अपनी पांचवी लोकेशन यानी कि अक्षरधाम अहमदाबाद टेम्पल के। इस मंदिर के अंदर जाते ही आपकी आंखें खुली की खुली रह जाएंगी। आप सोचने पर मजबूर हो जाओगे कि मानव निर्मित ये कैसे संभव है, कैसे कोई इंसान इतनी सुंदर दृश्यों का निर्माण कर सकता है। यहाँ के लुभा लेने वाले सुंदर दृश्य कलाकृतियाँ यहाँ आज की आधुनिकता का इस्तेमाल करके एक अनोखा दृश्य भी आपको देखने को मिलेगा। सर्वप्रथम आपको यहाँ स्वामीनारायण भगवान की आपको पूर्णतः जीवन लीला मूर्तियों द्वारा, चित्रों द्वारा, मौखिक द्वारा, और तो और अंत में बड़े से पर्दे पर भी आपको उनकी जीवन लीला पूर्णता दिखाई देगी। यहाँ का नाइट शो, बच्चों के लिए हर एक तरह के झूले, और यहाँ एकांतिक में बैठने से आपको आत्मा से परमात्मा के मिलने की अनुभूति जरूर होती है। तो इस लोकेशन पे आप एक बार जरूर जाइएगा। आई होप दोस्तों आपको आज के वीडियो की हमारी पांचों लोकेशन बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगी होगी, और डेफिनेटली पांचवी लोकेशन जो उस तरह से मैंने आपको बताई, तो उस लोकेशन पे आप एक बार तो ज़रूर जाइएगा। और इसी तरह की इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए, ऐतिहासिक रिलेटेड या बहुत ही फेमस लोकेशन रिलेटेड देखने के लिए, आप हमारे चैनल को पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, और प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक करके ज़रूर जाइएगा। मिलते हैं आपसे जल्दी से जल्दी अगली वीडियो के साथ में, तब तक के लिए मेरे जय हिंद जय भारत।